भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा खड़ा है हमारे पास, सूरज है, ये 100 से ज्यादा मोबाइल और फेक सिम खरीदा है वारसलीगंज में किसी एक जगह से। इसने बहुत सारे फेक सिम का मतलब है दूसरे के केवाईसी पे सिम आता था और ये खरीदता था, 700-750 रुपए से एक सिम के लगते थे। ये स्पूफ वेबसाइट बनाता था। आप जितनी कंपनियों की यहाँ लिस्ट लगी है, इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट जैसी दिखती है पूरी वैसी ही दिखती हुई, लेकिन जो ऊपर का लिंक है वो थोड़ा बदल के बनाता था। तो ये फेक वेबसाइट एकदम वैसा दिखने वाला बनाता था, अकाउंट्स खरीदता था दूसरों से, और इसके बताए अनुसार जो इसे अकाउंट देता था अकाउंट का कंट्रोल उसी के पास होता था, 50% पैसे वो रखता था, पैसे निकाल के 50% इसे देता था। अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया है। हम बहुत सारे प्रार्थियों से बात किए हैं, ये संख्या बहुत बढ़ सकती है जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाएं, 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया है जो लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। ये इसी चीज़ का समरी है जो मैंने अभी बताया, 5 करोड़ तक की ठगी हुई है और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपये से ज़्यादा दिए हैं। तो कुछ नाम हम लोग देखेंगे। ये तन्मय जैन जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के हैं ये, इन्होंने 48 लाख रुपये KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं, फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये सारे लोग पैसे उन फोन और उन सिम के कॉल पे दिए जो इन लोगों से मुझे हमें मिले, हमारी टीम को जो भी फोन और सिम मिले हैं उनसे जो कॉल्स हुए थे उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे तो उसका डिटेल अभी है भी नहीं हमारे पास। ये वही है जिन जो हम रिकवर कर पाए हैं फोन और सिम। तो 9 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आपको ऊपर 8-10 लोग दिखेंगे, 1,55,000। तो हमने क्या किया, पिछले 2 दिनों में पूरे इंडिया में सारे प्रार्थियों को कॉल कराया है, तो मैन्युअली हमें इतना पता चला है, एविडेंस बनेगा, साइड एविडेंस बनेगा कि ये लोग, इन लोगों ने उनसे भी ठगी की है। हम तेलंगाना की एक टूल है साई कैप्स को हमने सारे IMEI फोन और सिम के डिटेल दिए थे। उन लोगों ने भी हमें बताया है कि 19 सिम और फोन से किससे किसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो लिस्ट ये है जो अंग्रेजी में लिखी है, जो 12 लाख से लेकर 4,000 वगैरह वगैरह करके उन्होंने 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया है, जिन्होंने पैसे इन कॉल्स पे इनकी टीम को दिया है। ये भी लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास है, जो मिलाकर अभी तक टोटल हमारी जानकारी में 5 करोड़ का हिसाब किताब हमने निकाल लिया है। थोड़ी इनकी तकनीकी पारंगतता हम आपको दिखाएंगे, आप सब स्लाइड में देखिएगा। ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका लोगो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिनका फ्रेंचाइजी ये बेचते थे। नहीं, स्क्रीन पे आ जाएगा भाई, सामने तो पूरे सब आ रहा है भाई, वाव मोमो, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी। आजकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि छोटे छोटे टाउन में हम इन सब का फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हम बहुत कमाएंगे, उस इंटेंट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। आप देखेंगे हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है, बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है, उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है। और पतंजलि को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है क्योंकि पतंजलि बहुत एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे खान पान से संबंधित है, 10 तो खान पान के हैं। यातायात संबंधित देखिए, एमजी एक्टर जिसकी गाड़ी है, एमजी एक बहुत शायद जर्मन कंपनी है, कार बनाती है, एमजी का भी कार का इन्होंने फ्रेंचाइजी देने का दावा कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है, जेके टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है, ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने का, तो ये लोग ओकिनावा एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। हाँ, ये लोग हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुकिंग बुक कर रहे थे। ये आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं, चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक दिलाते थे ये लोग जो है। अरे चड्डी बनियान जॉकी से लेकर इनका एक वेबसाइट प्लेबॉय नाम से भी मिला है हमें। बजाज फिंसर, ये मतलब लोन वोन का भी करते थे, कार फाइनेंस भी करते थे और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देते थे। इंडियन ऑयल हम श्योर नहीं है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप का दावा करते थे, हमने इंडिकेटिव ग्रुप से इंडियन ऑयल का वहां पे लोगो लगाया। ये टेक्निकल नॉलेज है इनका, ये टेक्निकल टूल्स वो यूज करते थे, गो डैडी होस्टिंग, ये वो टूल्स है जहां पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं और दूसरे वेबसाइट का थोड़ा नाम चेंज करके यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, मेल होस्ट करते हैं। ये क्लाउड फ्लेयर जो है वो IP को मास्क करता है, उससे जो बंदा होस्ट किया वेबसाइट उसकी IP भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सारे टूल्स के बारे में इन्हें पता है और ये सब यूज करते थे। ये बड़े बड़े स्टार्टअप और टेकीज भी नहीं जानते हैं जनरली, इन्हें सब पता है।
कुछ वेबसाइट आप देख लीजिए कैसा, ये वाओ मोमो का वेबसाइट है जो इन्होंने बनाया है, कॉपी किया है। तो इसका एक टूल है, तरीका है जो अभी इसने बताया है, शायद सर को बताएगा कैसे बनाते हैं। ये है एनर्जी, सिंपल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक का भी है प्लस सोलर एनर्जी का भी है, दोनों काम करती है। ये सिंपल एनर्जी है, ये है आपका एमजी, एमजी हेक्टर, एमजी एस्टर, ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चेंज, जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया डीलरशिप .in.com, तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूं मैं, 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में। इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज किए हैं, ये 8 पेज है। इतने वेबसाइट या तो इन लोगों ने बनाए हैं या खुद इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये कभी पकड़ा है नहीं, वैसे टूल्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये समरी है, हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल से सबको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर